भैया कॉलेज बेकार है यार, प्लेसमेंट की कोई उम्मीद नहीं है वैसे यार, कोई कंपनी नहीं आती, प्लेसमेंट लगेगी कहाँ से? और मान लो अगर कोई कंपनी आ भी गई तो ब्रांच ITCS नहीं है, CGPA भी कम है, यार कैसे मिलेगी प्लेसमेंट? अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत प्रीमियर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरी अच्छी प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये बात बिल्कुल सही होगी, पर दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि मैं Tier 2 या Tier 3 कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, उस केस में मेरी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लग पाएगी, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे कुछ के, एक मेरा फ्रेंड है और वो भी Tier 2 कॉलेज का स्टूडेंट ही था, पर अभी वो सेम टीम में और अमेजोन में ही काम कर रहा है, उसने भी ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। आपको बस अपनी 4 साल की बीटेक के अंदर 1 से 1.5 साल मेहनत करनी है। अब वो 1 साल आपका थर्ड ईयर भी हो सकता है, फोर्थ ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को डालना है और सही अमाउंट ऑफ एफर्ट्स को डालना है। अगर आपने सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को डाला है तो ये गारंटेड है कि जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे आपके हाथ में 10 लाख, 20 लाख और यहाँ तक कि 40 लाख का पैकेज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो को कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला फेज है हमारा लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में उतना डीप में नहीं जाएंगे हम, बस ऊपर ऊपर से देखेंगे क्या क्या करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हमारा फेज होगा वो होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें जरूरी है, तो वो देखेंगे। तो ये पहला फेज कंटिन्यू करते हैं जो कि आपका लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में जो आपका पहला पॉइंट होगा वो होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज आपके C++ या जावा कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी एक कर लो, पर ढंग से कर लो। आगे जाके अगर दूसरी वाली लैंग्वेज करने का मन भी करे तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली आपने ढंग से करी हुई थी। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है DSN एल्गो, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है आपका। अगर ये वाला पार्ट आपने ढंग से फोकस नहीं किया, इस पर मेहनत नहीं की है, तो एक गारंटीड है कि आप किसी भी कंपनी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अगर टेस्ट क्लियर नहीं कर पाओगे तो इंटरव्यू का मौका भी कहीं मिलने नहीं वाला। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, किस फोकस करना है, डाटा सेक्शन एल्गोरिथम के ऊपर। तो इसमें दो वेबसाइट मैं आपको बताता हूं, पहली आपकी गीक्स फॉर गीक्स, सेकंड आपकी ट्यूटोरियल्स पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन में ट्यूटोरियल्स पॉइंट को फॉलो कर सकते हो, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएंगे, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए कि अमेजोन को प्रिपेयर करना, तो उसके क्वेश्चन चाहिए तो वही मिल जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए करना है उसके क्वेश्चन चाहिए तो वही मिल जाएंगे, ऐसे किसी भी कंपनी के आपको मिल जाएंगे। तो DSN अगला वाला पार्ट खत्म करने के बाद हम जाएंगे कॉम्पिटेटिव कोडिंग की तरफ। कॉम्पिटेटिव कोडिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, टॉप कोडर, स्पॉज, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इनमें से किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। जो मैं प्रेफर करूँगा, स्टार्टिंग में आप सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, कौन सी आपको सही लगती है, कहाँ पर क्या क्या सही लग रहा है आपको, और एंड में कुछ टाइम बाद किसी एक पे ही फोकस करो, कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करो पर ढंग से करो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी वेबसाइट के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही वेबसाइट फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं होता कि कंपनी कोड फोर्सेस से सेम क्वेश्चन उठा के देगी या कोड शेफ से क्वेश्चन उठा के देगी, एक करने से मतलब है कि एक ही जगह अपना फोकस रखना है, हर जगह जाके कंफ्यूज नहीं होना, एक करो पर ढंग से करो। तो कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे थे बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो एक तो आपकी नरसिम्हा करके कुछ आती है वो देख लेना यार, और एक है एलिमेंट्स ऑफ कोडिंग इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें आपको सिस्टम डिजाइन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में भी सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इसमें बुक में देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे सॉल्व करना होता है, क्या साइकोलॉजी लगानी है आपको। तो फीलिंग समझ रहे हो ना यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सेकंड फेज हमारा है कि कैसे अप्लाई करना ऑफ कैंपस के लिए, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं यार, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा पॉइंट जो होगा कि आपको अपने रिलेटिव में, अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में ढूंढना है कि कौन है जो उसी कंपनी में लगा हुआ है जिसमें आप सिलेक्ट होना चाह रहे हैं। अगर आप अमेजोन में जाना चाह रहे हो तो देखो आसपास कौन अमेजोन में है, अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाह रहे हो तो देखो आसपास के कौन कौन माइक्रोसॉफ्ट में, कौन कौन आपकी हेल्प कर सकता है। तो यार एक चीज़ होती है रेफरल। रेफरल बेसिकली ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कोई आपको रेफर करेगा अपने रिक्रूटर को, और आप परफॉर्म करोगे, और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो पैसे उसे मिलेंगे जिसने आपको रेफर किया था। तो समझ रहे हो यार कि काम आप कर रहे हो पर पैसे उसे मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप किसी को अप्रोच करोगे रेफरल के लिए तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने ही बंदों के पास जाओ हर कोई आपको रेफरल देने के लिए तैयार होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले आपका रिज्यूमे देखेंगे और आपकी स्किल्स देखेंगे, स्किल्स आपकी जो है वो कंपनी के JD मतलब वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद ही आपको रेफर करेंगे। तो एक ऐप है आपका लिंक्डइन, या एक वेबसाइट है लिंक्डइन, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे कुछ लोग ढूंढो। तो बेसिकली वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट कल्चर के लोग मिलेंगे बहुत सारे, बहुत इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, बहुत कंपनी के एम्प्लॉय मिल जाएंगे। तो होता वहाँ पे ये है कि वहाँ बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, तो वहाँ पे पोस्ट होती है, जैसे फेसबुक पोस्ट करते हैं यार, वैसे ही लिंक्डइन पोस्ट करते हैं वहाँ पे लोग कि इस कंपनी में ये वाली पोस्ट के लिए कुछ ओपनिंग्स हैं, तो कोई इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकता है। तो करना क्या है कि अभी जाना है लिंक्डइन डाउनलोड करना है, या लिंक्डइन की वेबसाइट में जाकर अपना साइन अप करना है, और वहाँ पर कनेक्शंस बनाने हैं यार। तो कनेक्शन से क्या मतलब है कि वहाँ पे जो तो मान लो आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो करना क्या है, लिंक्डइन पे जाना है, उस कंपनी का नाम लिखना है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सर्च करना है और सबको रिक्वेस्ट भेजनी है। और क्या कर सकते हैं, मान लो मैं NSIT का हूँ तो मैं वहाँ पे NSIT लिख दूँगा, NSIT के जो जो लोग आएंगे उन सबको रिक्वेस्ट भेज दूँगा। तो यार ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जिस कॉलेज के हो वही बंदा अगर उस कंपनी में लगा हुआ है तो आपको रेफरल मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो पहली चीज़ किसी आसपास के बंदे को ढूंढना है, रिलेटिव फ्रेंड वगैरह जो पहले से कंपनी के अंदर हो। दूसरी चीज़ लिंक्डइन पर जाकर सर्च करना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने, कनेक्शन बनाने, अपने नेटवर्क बनाना है और उस सबका आपको मैसेज करना है रेफरल के रिगार्डिंग। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी अप्लाई करो तो अप्लाई करना बल्क के अंदर, कि एक दिन में 30-40 लोगों 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी और मैसेज कर दिया रिगार्डिंग रेफरल, क्योंकि यार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर 50-60 लोगों करोगे तब जाके एक या दो बंदे आपको रेफर करने के रेडी होंगे। और स्टार्टिंग में हिम्मत नहीं आ रही यार, डटे रहना है, मैसेज भेजते रहना, बस बेशर्मों की तरह भेजो, कोई ना कोई तो एक बंदा रेफर करेगा, मान लो उसके रेफरल से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और आप पहली अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लो। तो हमेशा पॉजिटिव रहना यार, नेगेटिव नहीं रहना, बस डरना नहीं है, करके आना है। तो इनके अलावा क्या कर सकते हैं, इनके अलावा हम जा सकते हैं कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे। तो यहाँ पे आपकी कुछ रेटिंग होती है प्रोफाइल की, तो वहाँ पे अगर आप अपने प्रोफाइल को अच्छा बना के रहोगे, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जो क्वेश्चन आपने कराया वो अच्छे लेवल का था, तो उससे आपको कुछ रेटिंग मिलेगी, कुछ स्टार्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके पॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे, जितनी रैंकिंग अच्छी होगी, तो कंपनी जो टॉप प्रोफाइल के बच्चे होते हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है, रेटिंग अच्छी होती है, उनको मैसेज करती है, उनको अप्रोच करती है रिगार्डिंग द जॉब। तो अगर यार अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बना रखी है तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि कंपनी आपको अप्रोच करे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्रैक करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा वे है ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक ही करो पर एक ढंग से करो, ताकि उसमें आपकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी हो, आपके प्रोफाइल अच्छी बने और आपको अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, कंपनी खुद आपको अप्रोच करे कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो आपको दो वेबसाइट और बताई थी यार मैंने, एक हैकर रैंक और एक हैकर अर्थ। तो इन वेबसाइट में क्या होता है, एक जॉब करके सेक्शन होता है, तो वहाँ पर आपके बहुत सारी कंपनीज की ओपनिंग्स बताई होगी कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है। जैसे हैकर रैंक में जाओगे तो वहाँ ओपनिंग होगी, वहाँ पे आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। और हैकर अर्थ में क्या होता है कि कॉन्टेस्ट होते हैं कंपनी के, तो मान लो कि अमेजोन हैकर अर्थ पे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही है और उसमें आपको एक डेट बता देंगे कि 14 तारीख से 18 तारीख से कॉन्टेस्ट है, या फिर एक दिन का या 4 दिन का, जैसे भी है। तो उसमें अप्लाई करना, सेलेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक एक्सपीरियंस मिल गया तुम्हें, जो कुछ गलती करी तुम्हें अभी पता लग गई, आगे जाके तुम उस गलती को दोबारा दोहराओगे नहीं, तुम्हारा ही फायदा होगा, है ना। तो एक तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस ही होती जा रही है बहुत सारे टेस्ट दे देकर। तो ये भी ट्राई करना हैकर रैंक और हैकर अर्थ पर जाकर, जॉब सेक्शन में जरूर जाना है और वहाँ पर देखना कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, सबके टेस्ट देने हैं। एक आपका एक मॉक एनवायरनमेंट बन जाएगा, उसमें आपको फिर जब असली एनवायरनमेंट में देने जाओगे टेस्ट या इंटरव्यू, तो पैनिक नहीं करोगे, नर्वस नहीं होगे बिल्कुल भी, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, दबा के करनी है। तो यार सिर्फ ऐसे नहीं करना कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी, सिर्फ वहीं वहीं अप्लाई कर दिया। कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी हैं जहाँ पे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपका लर्निंग का बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जोमेटो हो गया आपका, ओयो हो गया, तो उनमें भी अप्लाई करना है। अब इनमें अप्लाई कैसे करना है, आपकी कुछ वेबसाइट्स होती है यार वहाँ पे स्टार्टअप लिस्टेड होते हैं सारे, एक आपकी हो जाएगी एंजल लिस्ट, सेकेंड आपकी FS6, वो भी बहुत सारी है, देखना एक बार सर्च करना। तो यार कभी कभी ऐसा होगा कुछ कंपनीज के HR होंगे और उनके अकाउंट जो होते हैं एक तरीके से प्राइवेट कर सकते हैं, उनका मैसेज नहीं कर सकते ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते बेसिकली उनसे आप, पर एक मैसेज होगा वहाँ पे उनको मेल करने का, पर वो मेल तभी कर पाओगे जब लिंक्डइन पे आपका प्रीमियर अकाउंट होगा। अब कुछ बंदे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो, तो करना क्या है, उनकी प्रोफाइल को खोलना है लिंक्डइन पे और वहाँ से उनकी मेल ID निकालनी है। मेल ID पे क्या करना है, एक मेल जनरेट करना, वहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देना अपना कि ये CGPA थी, ये टेक्निकल स्किल्स है, इस कॉलेज के थे, और नीचे अपने रिज्यूमे अटैच कर देना। तो इससे क्या होगा यार, बहुत सारे लोगों को बल्क में भेजना है ऐसे HR को, तो होगा क्या, उन मान लो 30 को भी आपने भेजा, 30 में से अगर दो भी देख लें, अगर उन दो में से एक भी अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, तो इससे आपका ही फायदा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्रैक करने के लिए। अगर क्रैक नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, सीखने के लिए एक एक्सपीरियंस मिल गया आपको, एक मॉक एनवायरनमेंट फिर दोबारा क्रिएट हो गया, और इससे आप बाद में अप्लाई कर सकते हो कि यार पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस बार ये गलती नहीं करनी है, आपको एक सीख मिल जाएगी यार ये नहीं दोहराना दोबारा, है ना। तो सबसे पुराना तरीका जो पहले भी काम करता था अभी भी काम करता है, मैंने भी अपनी डीशो वाली ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से ली थी। तो करना क्या है, जिस भी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, मान लो डीशो में अप्लाई करना है, तो उसकी वेबसाइट पर जाओ, उसका पेज खोलो मेन पेज, वहां पे स्क्रॉल करो सबसे नीचे, वहां पे करियर्स पेज होगा, करियर सेक्शन में क्लिक करना, आपकी सारी जॉब्स आ जाएगी जितनी भी लिस्टेड है, लिस्टेड होगी लोकेशन के हिसाब से, तो उनमें से जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर देना। तो यार जो करियर्स वाला पेज होता है ये लगभग हर कंपनी की वेबसाइट पर होता है, तो हर जगह जाना, अप्लाई करना, एक दिन में कम से कम 30-40 में अप्लाई करना, 30-40 में से अगर आपको एक या दो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है तो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परसेंटेज है ये। तो कुछ ऐसी बात करते हैं इस कारण में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता कि ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का भी एक सीजन होता है, एक टाइमिंग होती है। तो होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारी टीम्स होगी, टीम्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइंड होते हैं, वो हर क्वार्टर के हिसाब से होते हैं, पहले प्री प्लान्ड होते हैं। तो होता क्या है जनरली कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में जो वो अपॉर्चुनिटी लिस्ट की जाती है, वो क्यों की जाती है कि आपका प्रोजेक्ट असाइंड है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो रिसोर्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा, वो कैसे कराओगे, कुछ नए लोगों को हायर करके, ठीक है। तो ये स्टार्टअप केस में नहीं होता, जो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है पहले से ही उनके केस में अप्लाई करेगा, कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनके में अगर
तो स्टार्टअप के केस में अप्लाई नहीं करता, जो बड़ी कंपनी होती है, जो वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है, उनके केस में अप्लाई करेगा कि जो हर पूरे साल में जो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी होती है ऑफ कैंपस की बहुत ज़्यादा निकलती है। अगर उस टाइम पे आप अप्लाई करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इन बिटवीन। बीच में भी करोगे तो मिलेंगे चांसेस, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नहीं मिलेंगे, पर अगर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइम पर ज़्यादा चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू इन बिटवीन। ठीक है, तो स्टार्टअप की अगर बात करें तो उनमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि किस टाइम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी ऑफ कैंपस की, क्योंकि स्टार्ट हुआ तो कुछ पता ही नहीं होता कब खुल गया कब बंद हो गया, तो अपॉर्चुनिटी का क्या पता होगा यार। तो फ्रेंड मत होना यार स्टार्टअप वाले, स्टार्टअप लवर्स, ऐसे मजाक कर रहा था यार, स्टार्टअप भी बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये था आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो हमने खैर कम डिस्कस किया, पर मेन चीज़ थी अप्लाई कैसे करना है। और ऑफ कैंपस यार आपकी ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, एक आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती, आपकी CGPA उतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी कॉलेज के टाइम पर करेगी, है ना। अब इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें स्किप की है, जैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क और रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, और जो लर्निंग फेज था उसको डीप में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यार ये वीडियो थी बेसिकली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में थी। बाकी ये चीज़ें हम शुरू कर दिए वीडियो, तो धीरे धीरे वो भी आती रहेंगी। तो यार ऑफ कैंपस के बारे में इतना ही था, बाकी कुछ छूट गया हो, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी जो भी ये होता है लाइक वाइक कर देना।